दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे डिप्सी क्रिएचर्स को देखोगे जिन्हें देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, मजा आया। हाँ, मैंने भी ऐसे ही कहा था। आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस दुनिया में ऐसे भी क्रिएचर्स रहते हैं, हंसने वाली शार्क से लेकर सांपो की तरह रेंगने वाले जीवों तक। हाँ, वाकई में दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये अमेजिंग वीडियो, हेयरी फ्रॉग फिश। दोस्तों, हेयरी फ्रॉग फिश एक अनोखी और रहस्यमय समुद्री मछली है जो कि समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। दोस्तों, इस फिश का वैज्ञानिक नाम एंटेनारियस स्ट्रेटस है। इसे इसका नाम उसके बालों के स्पेशलिटी के दम पर मिला है जो इसके शरीर पर मौजूद है। हेयरी फ्रॉग फिश का साइज छोटा होता है और ये अलग अलग रंगों में पाया जाता है, जैसे कि पीला, लाल, बैंडेड और काला। इसके पेट में स्पेशली पेट ही इस्तेमाल होता है जिसका उपयोग ये शिकार करने के लिए करते हैं। ये फिश अपने साइज को बदल सकती है और अपने आप को अपने आसपास आने वाले किसी भी शिकार के रूप में ढाल सकती है, जिससे यह एक शातिर शिकारी बन जाती है। हेयरी फ्रॉग फिश प्राचीन काल से मुख्य रूप से समुद्री सूचना के अभाव के कारण अनदेखी है, लेकिन इसकी रक्षा के लिए समुद्री प्राकृतिक संरक्षण के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है। हैगफिश। दोस्तों, आमतौर पर हैगफिश को हिंदी में हैगफिश भी कहा जाता है। हालांकि नाम में कोई खास चेंजेस नहीं है, लेकिन ये एक अनोखे प्रकार की समुद्री जीव है जो जलीय जीवों की कैटेगरी में आती है। हैगफिश का वैज्ञानिक नाम मिक्सिनी है और ये जीव गंदगी खाने वाले जीवों में गिने जाते हैं, क्योंकि इनकी ये आदत है कि ये मरी हुए मछलियों को खाते हैं। इनके पास पर्शियल चबाने के दांत होते हैं जिसके मदद से ये अपना आहार कई तरह की मछलियों से प्राप्त करते हैं। ये जीव जलीय टेम्परमेंट वाले होते हैं और गंदगी छोड़ने की हैबिट रखते हैं, जिससे उनके कैटेगरी का नाम हैगफिश पड़ा। हैगफिश अपने अनोखे बिहेवियर और लाइफस्टाइल के लिए साइंटिफिक स्टडी का विषय बने हैं और इनके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च जारी है। पाइपफिश। दोस्तों, पाइपफिश को हिंदी में पिपफिश कहा जाता है। ये एक प्रकार की समुद्री जीव है जो जलीय जीवों का एक हिस्सा है, जिसमें छोटे साइज के मछलियां शामिल होती हैं। पिपफिश का वैज्ञानिक नाम सिंगनाथिडे है और इसके मेंबर हाइब्रिड फॉर्मेटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सी होर्स, पाइपफिश और सी ड्रैगन्स शामिल है। इनमें से ज्यादातर जीव लंबे और पतले होते हैं और उनके शरीर में एक प्रकार की लाइन सब्सक्रिप्शन होती है, जिससे वे डोरमेंसी में आसानी से समा सकते हैं। पिपफिश के लिए एक अनोखी बात ये है कि ये प्रेगनेंसी में अपने अंडों को सुरक्षित रूप से पालकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो कि एक बच्चे के रूप में बाहर आते हैं। इन्हें उनके बंधन और न्यूट्रिशनल वैल्यू के प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। पिपफिश समुद्र और ब्रिज जलचर पानी में पाए जाते हैं और उनका यूनिक फॉर्म और लाइफस्टाइल साइंटिफिक स्टडी का विषय बन चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, इससे हमें वीडियो बनाने के प्रति उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कीप सपोर्टिंग नूडी ब्रांच। दोस्तों, नूडी ब्रांच, जिसे हिंदी में न्यूडी ब्रांच भी कहा जाता है, ये जीव समुद्र के रंगीन और सुंदर जीवों के प्रजातियों के अनोखे मेंबर। इनका नाम इनके गोल मंडल की पतली सुई की याद दिलाती है। न्यूडी ब्रांच ये जीव समुद्र में जगह जगह पर पाई जाती है और अलग अलग प्रकार की सौंदर्य रंगों, आकृतियों और डिजाइन में पाई जाती है। इनकी खासियत ये है कि इनमें से अधिकांश अपने शरीर की रंगों में अलग अलग उतार चढ़ाव दिखते हैं, जिससे इनका पहचान करना मुश्किल होता है। न्यूडी ब्रांच अक्सर दूसरे समुद्री जीवों के लिए खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि ये समुद्र के गहराइयों में पाया जाता है और इन्हें अपने आप में ऑर्गेनिक संबंध बनाने के लिए स्पेशियली दृष्टि और पर्यावरण की आवश्यकता होती है। इनकी मुख्य रूप से सुंदर दिखावट की वजह से हमें एक्सटेंडेड नॉलेज की जरूरत है, ताकि इनके संरक्षण के लिए कदम उठाए जा सके। स्नाइप ईल। स्नाइप ईल, दोस्तों, ये एक प्रकार की समुद्री मीन जीव है जो जलीय जीवों की कैटेगरी में आता है। स्नाइप ईल एक अनोखे प्रकार की जीव है जिसकी पहचान उसकी लंबी और पतली बॉडी से होती है। दोस्तों, इनका वैज्ञानिक नाम निमिक्षथीडे है। स्नाइप ईल समुद्र के गहराइयों में पाया जाता है और ये अकेले या झुंड में रहते हैं। इनका आहार छोटी मछलियों, क्रिल और अन्य समुद्री जीवों से प्राप्त होता है। स्नाइप ईल की यूनिकनेस ये है कि ये अपनी पूरी लाइफस्टाइल समुद्र के गहराइयों में बीतती है और ये दिन के समय में आमतौर पर गहराई में रहते हैं, जबकि रात के समय सतह के करीब आ सकते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए साइंटिफिक स्टडी जारी है और इनके जीवन की बड़ी रहस्यों को सुलझाने के लिए और अधिक रिसर्च की जरूरत है। वियर्ड आई स्ट्रॉबेरी स्क्विड। वियर्ड आई स्ट्रॉबेरी स्क्विड एक अनोखी और रहस्यमय समुद्री जीव है।
है जिसका वैज्ञानिक नाम हिस्टियोट्यूथिस हेट्रोप्सिस है, जो कि समुद्र के गहराइयों में पाया जाता है और इसकी खास पहचान इनके अद्भुत आँखों में होती है। इसकी आँखें आकार में बड़ी होती है और ये विचित्र रूप से उसके शरीर के शुरुआती हिस्से में स्थित होती है, जिससे इसका नाम वियर्ड आई स्क्विड पड़ा। इसके अलावा इनका रंग स्ट्रॉबेरी जैसा होता है, जिस वजह से इनका नाम स्ट्रॉबेरी स्क्विड पड़ा है। ये जीव आकार में छोटा होता है और ये अपने आहार के रूप में छोटे समुद्री क्रील और छोटी मछलियों को भी खाता है। वियर्ड आई स्ट्रॉबेरी स्क्विड का जीवन काल अनोखा होता है और इसकी खासियत इसे एक अट्रैक्टिव सी क्रिएचर बनाता है। लीफी सी ड्रैगन। दोस्तों, आपने अक्सर सी ड्रैगन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पत्तों के जैसे दिखाने वाले सी ड्रैगन देखा है? तो दोस्तों, मिलिए इस लीफी सी ड्रैगन से, जो एक अनोखी समुद्री जीव है जो ऑस्ट्रेलियाई समुद्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकोडोरस एक्स है। ये एक प्रजाति सी ड्रैगन्स, ये फैमिली से ताल्लुक रखती है और इसकी स्पेशियलिटी उसके बॉडी पर लगे पत्तियों के अनोखे दीकावती से है, जो इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। लीफी सी ड्रैगन का रंग भूरा और सब्जियों की तरह दिखता है, जिससे ये समुद्र के पेड़ों पत्तियों के साथ मेल खाता है और अपने आप को सुरक्षित रख पता है। इसके शहरी के बनावट में बल्बुद लहराते हुए पत्तियां होती हैं, जिससे ये प्लांट्स की तरह दिखती हैं। ये एक छोटी समुद्री जीव है और इसके लाइफ सर्कल में पारंपरिक विकास शामिल होता है। लीफी सी ड्रैगन अपना जीवन मुख्य रूप से अंडमान समुद्रों में बिताते हैं और तो ये अपने आप को पत्तियों की तरह छिपाने में एक्सपर्ट होते हैं, जिससे इसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सी ड्रैगन को लेकर दुख की बात ये है कि ये आज विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं और खतरे के बावजूद भी ये एक अनोखा और सुंदर समुद्री क्रिएचर है। स्माइलिंग शार्क। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शार्क का भी ऐसा नाम हो सकता है? हिंदी में तो और भी अजीब है, मुस्कुराता शार्क। दोस्तों, ये एक दिलचस्प समुद्री जीव है जिसका वैज्ञानिक नाम हैप्लोब्लेफेरस एडवर्डसी कहा जाता है। ये शार्क मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों पर। मुस्कुराता शार्क का नाम उसके मुस्कुराते मुंह के वजह से पड़ा है। इसके मुंह की रचना काबू में रखने के लिए विशेष है और ये शार्क अपने मुंह को खोलकर दिखाता है, जिससे उसके दांत स्वस्थ रूप से दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये मुस्कुरा रहा हो। ये शार्क समुद्री जीवों को खाने के लिए अपने दांतों का उपयोग करता है और साथ ही ये छोटे मछलियों और क्रील को भी खाता है। मुस्कुराता शार्क का अट्रैक्टिव स्माइल और इनका स्पेशियल बर्ताव इन्हें समुद्र के निचले हिस्सों में आइडल बनाते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इन समुद्री क्रिएचर में से कौन सा क्रिएचर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स मौजूद है। और हाँ, जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।